लड़की जो पानी में सफिन कर रही होती है तभी उस पर कोई हमला करता है और उसे पानी में खींचने लगता है। उसके चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। बड़ी मुश्किल से वह पानी से बाहर निकलती है, एक चट्टान पर चढ़ जाती है। उसका एक पैर घायल हो चुका है और उसके पैर से खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि उसके चारों तरफ एक सार्क घूम रही है और वह जिस चट्टान पर बैठी है वह भी डूबने वाली होती है क्योंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वह पास में ही लगे पानी बॉयल में चढ़ जाती है और फ्लेयर गन को पानी में चलाती है जिससे पानी में फैले तेल में आग लग जाती है और सार्क जलने लगती है जिससे वह भी आक्रामक हो जाती है और लड़की पर हमला कर देती है और दांत से बॉयल को काटने लगती है जिससे लड़की नीचे गिर जाती है और वह पानी में डूबने लगती है। लेकिन वह तभी पानी में बॉयल में लगी जंजीर को काट देती है और तेजी से पानी के अंदर जाने लगती है। साथ ही उसके पीछे पीछे पानी में अंदर की ओर जाती है लेकिन आगे लोहे की रॉड लगी होती है। फिर लड़की जल्दी से घूम जाती है और लड़की को रॉड नहीं लगती है लेकिन साथ नहीं घूम पाती है और रॉड उसके शरीर में लग जाती है और शार्क मर जाती है।